Good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Today we are learning Standard 3 GK Chapter 42. Open your GK book. Page number 59. Page number 59. Let's start this topic. Logical reasoning. आज हम क्या पढ़ाई करेंगे बच्चों? Logical reasoning. Okay? Let's start. Reasoning is a logical and thoughtful way of thinking. Reasoning is a logical and thoughtful way of thinking. Okay बच्चों? Find the odd figure out. अच्छा बच्चों, इस पेज को देखो बच्चों, जो कुछ फिगर दिया हुआ है, जो और फिगर है उसको हम जो और है यहाँ पर हम लिख रहे हैं. ओके, देखते हैं. देखो बच्चों फर्स्ट लाइन देखो बच्चों फर्स्ट लाइन में ए बी सी डी, डी में ए फर्स्ट लाइन में कुछ फिगर दिया हुआ है. ओके बच्चों, देखते हैं कौन सा आर्ट फिगर है. ओके, देखो इस फिगर में कुछ लाइन है ना बच्चों, इस फिगर के अंदर कुछ लाइन है, ये भी इस फिगर के अंदर कुछ लाइन है, बट ए फिगर के अंदर कुछ लाइन है क्या बच्चों? नहीं है ना, ये हमारा ब्लैंक है ना बच्चों. इस फिगर क्या है, इस फिगर के अंदर क्या है? ब्लैंक है ना बच्चों. बट इस फिगर में कुछ लाइन है ना, देखो ये इस फिगर में कुछ लाइन है, ए फिगर में लाइन है, ए फिगर में लाइन है, बट ये फिगर हमारा आर है. ओके, ए फिगर क्यों, ये फिगर हमारा ब्लैंक है ना, इसको हम क्या करेंगे, आर, ये हमारा आर होगा. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर क्या होगा, सी, सी हमारा आर फिगर होगा. ओके, वेरी गुड. तब सेकंड नंबर देखो बच्चों, इस लाइन को देखो, ये हमारा स्लैंटिंग लाइन, ये हमारा स्लैंटिंग लाइन. सॉरी बच्चों, इस फिगर को देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, सब पैरेलल लाइन है. देखो ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये भी हमारा पैरेलल लाइन है, बट ये हमारा पैरेलल लाइन में है क्या? नहीं, ये हमारा पैरेलल लाइन में नहीं है, तो इसको हम और करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, और करेंगे. ओके, यहाँ पर क्या होगा आंसर, डी. आंसर क्या होगा बच्चों, डी. ओके, थर्ड नंबर देखो बच्चों, देखो ये हमारा क्या है बच्चों, बताओ, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा हाफ सर्कल है, और ये हमारा ट्रायंगल है. देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये हमारा ट्रायंगल है, बट ये हमारा, ये सब कंप्लीट है ना बच्चों, बट ये हमारा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये हमारा हाफ सर्कल है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, और करेंगे, ये हमारा और होगा, क्या होगा बच्चों, और होगा. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर, सी. ओके, फोटो नंबर देखो बच्चों, ये क्या है सर्कल, ये क्या है ट्रायंगल, ये क्या है बच्चों ट्रायंगल, ये क्या है स्क्वायर. अच्छा बच्चों देखो, सब ये सब स्ट्रेट लाइन है ना, बट ये हमारा क्रॉस लाइन है, तो इसको हम और करेंगे, ये हमारा और होगा, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन है, बट ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है. ओके, ये हमारा और होगा. ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए. ओके, अच्छा बच्चों ये सब आपका क्लियर हो गया है ना. ओके बच्चों, वेरी गुड. थर्ड नंबर देखो बच्चों, ये देखो, ये हमारा स्टैंडिंग लाइन में है, ये हमारा स्लैंटिंग लाइन में है, ये हमारा भी स्लैंटिंग लाइन है, ये हमारा स्लैंटिंग लाइन में है. देखो बच्चों, ये भी हमारा सेम है,
और ये हमारा स्लैंटिंग लाइन है, तो इसको हम ये हमारा सब स्लैंटिंग लाइन है बट ये हमारा स्टैंडिंग लाइन है, तो इसीलिए हम इसको अर्थ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए। ओके, आंसर क्या होगा बच्चों? ए आंसर होगा। देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन, इस फिगर के अंदर एक सर्कल है जो फुल कंप्लीट है। देखो इस फिगर के अंदर जो सर्कल है, इस फिगर के अंदर जो सर्कल है, ये सर्कल कंप्लीट है क्या बच्चों? नहीं, ये इनकम्प्लीट है। ये भी ये क्योंकि ये हाफ सर्कल है, ये भी ये सर्कल के अंदर जो है ये हाफ सर्कल है, ये हमारा भी हाफ सर्कल है, तो ये थ्री हमारा कंप्लीट सर्कल नहीं है। ये सर्कल का अंदर जो है ये कंप्लीट नहीं है, बट ये सर्कल का अंदर जो है ये हमारा कंप्लीट है। ओके, तो इसको हम अब और करेंगे। ओके, ये हमारा और होगा, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे? ए। ओके, तो सेवन नंबर देखो बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है क्या बच्चों? ये हमारा ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा ट्रायंगल है। देखो बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, पर ये हमारा ट्रायंगल नहीं है, तो इसको हम और करेंगे। तो आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों? सी। ओके, आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ओके, तो एक नंबर देखो बच्चों, ये हमारा अपोजिट साइड, ये हमारा अपोजिट साइड है, ये सेम सेम है पर अपोजिट साइड में, ये भी हमारा सेम सेम है बट अपोजिट साइड में, ये हमारा सेम सेम है बट अपोजिट साइड में है, बट ये हमारा बी स्मॉल है, ये हमारा क्या है? बी एंड स्मॉल है, ये सब सेम सेम है बट ये हमारा बी स्मॉल है, तो इसको हम और करेंगे। ये हमारा सब अपोजिट साइड में है, सेम सेम है, ये बी है, ये स्मॉल है, तो इसको हम और करेंगे। ओके बच्चों, क्लियर? वेरी गुड। नाइन नंबर देखो बच्चों, देखो नाइन नंबर है, स्लीपिंग लाइन में कुछ डॉट दिया है। देखो ये ऑपोजिट साइड में डॉट दिया है, ये भी हमारा ऑपोजिट साइड में डॉट दिया है, बट ये हमारा ऑपोजिट साइड में डॉट नहीं दिया है। ओके, ये भी हमारा ऑपोजिट साइड में डॉट दिया है, तो इसको हम और करेंगे क्योंकि ये अपोजिट साइड में डॉट नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम अच्छा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके बच्चों, यहाँ पर इस लाइन में अपोजिट साइड में डॉट दिया है, इस लाइन में भी अपोजिट साइड में डॉट दिया है, इस लाइन में भी अपोजिट साइड में डॉट दिया है, बट इस लाइन में अपोजिट साइड में डॉट नहीं दिया है, तो इसको हम और करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो ए नंबर देखो बच्चों, ए नंबर देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ओके, तो ये बिग स्मॉल है ना, तो ये यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ओके, ओके बच्चों, आपका समझ में आ गया? फर्स्ट नंबर ये ब्लैंक थे, इसलिए हम यहाँ पर सी लिखेंगे। सेकेंड नंबर देखो बच्चों, ये सब पैरेलल लाइन है बट ये पैरेलल लाइन में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर डी लिखते हैं। तो थ्री नंबर देखो बच्चों, ये सब कंप्लीट है बट ये हमारा इनकम्प्लीट है, तो इसलिए हम सी लिखते हैं, सी लिखेंगे। तो फोर नंबर देखो बच्चों, फोर नंबर देखो बच्चों, ये सब लाइन में है, ये सब क्या है बच्चों? ये सब स्ट्रेट लाइन है, ये सब स्ट्रेट लाइन है बट ये हमारा कर्व लाइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। फाइव नंबर देखो बच्चों, ये सब स्लैंटिंग लाइन है बट ये हमारा स्टैंडिंग लाइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। सिक्स नंबर देखो बच्चों, सब सर्कल के अंदर सब सर्कल कंप्लीट नहीं है बट ये सर्कल हमारा कंप्लीट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए। सेवन नंबर देखो बच्चों, सब ट्रायंगल है बट ये हमारा ट्रायंगल नहीं है, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, तो एट नंबर देखो बच्चों, सब अपोजिट साइड में सेम सेम है
ए हमारा, ये हमारा क्या है, एक बिग है और एक स्मॉल है, इसीलिए हम इसको और करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो लाइन नंबर देखो बच्चों, सब लाइन में अपोजिट साइड में डॉट दिया गया है और इस लाइन में अपोजिट साइड में डॉट नहीं दिया है, तो इसीलिए हम उसको और करेंगे। ओके बच्चों, आपका समझ में आ गया, आप सबका समझ में आ गया, आ गया ना बच्चों? ओके बच्चों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छा बच्चों, आज हमारा जीके बुक कंप्लीट हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।